इस साल जनवरी में जर्नलिस्ट माइक वॉल्फ की फेयर एंड फ्यूरी इनसाइड द ट्रंप व्हाइट हाउस नाम से बुक रिलीज हुई थी, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस में उनके काम के तरीकों के बारे में जिक्र किया गया था। इस बुक में ट्रंप के चुनावी अभियान से लेकर व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति के गलत व्यवहार के बारे में लिखा गया था। अब इसी माह इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट बॉब वुडवर्ड की भी एक बुक लॉन्च हो रही है, जिसके कुछ अंश लीक किए गए हैं। वुडवर्ड ने अपनी बुक में लिखा है कि ओवल ऑफिस में एक अव्यवस्थित झूठा पांचवी कक्षा का अपमानजनक शेक्सपियर किंग का प्रकोप है। वुडवर्ड की बुक का नाम फियर ट्रंप इन द व्हाइट हाउस है, जो 11 सितंबर को रिलीज हो रही है। वुडवर्ड ने अपनी बुक में जो सबसे हैरान करने वाला खुलासा किया है, वह सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की हत्या से जुड़ा है। वुडवर्ड ने दावा किया है कि ट्रंप ने पेंटागन को एक बार सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की हत्या करने का आदेश दिया था। ट्रंप ने जिम मैटिस से असद के लिए लेट्स किल हिम, लेट्स किल द लॉट ऑफ देम जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। वुडवर्ड ने अपनी बुक में कहा है कि डिफेंस सेक्रेटरी मैटिस ने एक बार कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप को 10-11 साल के पांचवी कक्षा जितनी ही विदेश मामलों की समझ है। टीम न्यूज़ नाउ।